अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वीपीएन के बारे में, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या फिर क्या है। मैंने पिछली एक दो वीडियोस पहले मैंने एक टोर ब्राउजर की वीडियो बनाई थी, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि टोर ब्राउजर और वीपीएन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पाकिस्तान में रहने वाले लोग, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, यहाँ रहने वाले लोग वीपीएन को अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि पिछले दिनों हमारे मुल्क में यूट्यूब को बंद किया गया। तो जो लोग वीडियोस को ओपन करते थे, जो लोग यूट्यूब को ओपन करते थे, वो प्रोक्सी का ही इस्तेमाल करते थे। प्रोक्सी और वीपीएन एक ही चीज है। असल में वीपीएन होता क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, मैं आगे वीडियो जरूर जारी रखता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखा करें। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, तब तक आपको मुकम्मल समझ नहीं आएगी जब तक आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आखिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है क्या, मैं बताता हूँ। अगर आपने घर में कनेक्शन लगाया हुआ है इंटरनेट का, या जो भी कंपनी आपको इंटरनेट कनेक्शन देती है घर में, तो वो साथ उसकी एक आईपी एड्रेस भी आपको असाइन करती है, जो कि वो डिवाइस लेकर साथ आता है। तो जब भी आपको किसी कंपनी ने ट्रेस करना हो, जब भी आपको कोई डाटा देखना हो कि आपकी हिस्ट्री क्या, आप क्या सर्च कर रहे हैं, मतलब किसी वजह से भी आप तक रसाई उन्होंने करनी हो, तो वो आईपी एड्रेस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो वीपीएन क्या करता है, वीपीएन साइट्स भी होती हैं, सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको अपने डेस्कटॉप पर दिखा सकता हूँ कि ये जो है ब्राउज़र, ठीक है, ये एक वीपीएन है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑन कर लेता हूं तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर डिफरेंट कंट्रीज आ जाएंगी। यूनाइटेड स्टेट्स का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, या मैं किसी भी कंट्री का चाहूं तो मैं इसमें इस्तेमाल कर सकता हूं। ये वीपीएन होता है, ये मैंने एक क्रोम की एक्सटेंशन की हुई है। ये सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ये साइट्स भी होती हैं, जिनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन सी अच्छी साइट है और किस वजह से। कुछ लिहाज ये इलीगल भी होते हैं, लेकिन क्योंकि हम इलीगल वर्क नहीं करना, तो इस वजह से हमें कोई इसमें खतरा नहीं है, ना ही कोई इन्फोर्समेंट टीम हमें पकड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता रहा था वीपीएन के ये होता क्या है। फ्रेंड्स, कंपनी ने आपको इंटरनेट लगा के दिया, आपको एक आईपी एड्रेस साइन कर दिया। अच्छा, अब आपके इलाके में फर्ज कर लें कोई यूट्यूब ही है, आपके इलाके में वो बंद है, आपके इलाके में वो ओपन नहीं हो सकती। अब आप क्या करेंगे, आप वीपीएन का सॉफ्टवेयर साइट जहां भी जाएंगे, वो जो वीपीएन होता है वो आपको एक नया आईपी एड्रेस साइन कर देता है। आपका जो मौजूदा आईपी एड्रेस होता है ना, वो हाइड हो जाता है और आपको किसी और कंट्री का, किसी और कंट्री के शहर का आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है। अब सोचने वाली बात है कि जहां का आईपी एड्रेस आपको साइन कर दिया गया है, वहां पर तो वो साइट बंद नहीं है, यूट्यूब तो आपके इलाके में बंद है, लेकिन जहां का आप एड्रेस यूज कर रहे हैं वहां पर यूट्यूब नहीं बंद, इसीलिए वो ओपन हो जाती है। मतलब अगर कोई इन्फोर्समेंट टीम आपको ट्रेस करती है तो उसको एड्रेस जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक है। ये बात मुकम्मल छुप गई कि आप लाहौर में, पाकिस्तान में यहाँ बैठे हुए हैं। ये है वीपीएन, ठीक है। और इसको मतलब कि अब तो जरूरत नहीं पड़ती यूज करने की, यूट्यूब भी ओपन हो चुकी है। तो मेरा मकसद बस आपको ये बताना था कि वीपीएन आखिर होता क्या है। टोर ब्राउज़र की वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो इससे है तो डिफरेंट, लेकिन वो यही चीज है, वो जरा इससे अप है। अगर टोर ब्राउज़र की बात की जाए तो वो वीपीएन तो आपको एक आईपी एड्रेस साइन करता है, मगर टोर ब्राउज़र पर सेकंड के लिहाज से आपकी जो आईपी एड्रेसेस है उनको चेंज करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई है आपको, अगर आपको हेल्प मिली है, आपका नॉलेज इंक्रीज हुआ है, तो आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।